नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है और रेलवे स्टेशन के जो वॉशरूम्स होते हैं वो आपने यूज ना किए हो, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़ी ट्रेन के अंदर आप चढ़ गए और वॉशरूम यूज कर लिया। ऐसा ही एक मामला आपको बता दें कि भोपाल से सामने आया है। भोपाल में हैदराबाद में रहने वाला एक व्यक्ति अब्दुल कादिर, जो कि हैदराबाद से भोपाल आया अपने परिवार के साथ, 8 साल का उसका बच्चा और बेबी। बच्चे को बहुत तेज बुखार था, लेकिन 5:02 पर भोपाल स्टेशन पहुंचता है और उसके बाद उसकी जो ट्रेन थी उसको भोपाल से ट्रेन पकड़नी थी संगरौली के लिए, जो कि 8:00 कुछ मिनट पे थी, 8:55 पे उसकी दूसरी ट्रेन थी। ऐसे में उसे अचानक वॉशरूम जाना पड़ गया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई वंदे भारत ट्रेन में वो शख्स चढ़ गया वॉशरूम करने के लिए। लेकिन वंदे भारत में चढ़ने के बाद वॉशरूम करना, टॉयलेट जाना इतना उस पर भारी पड़ गया कि 6,000 रुपए वॉशरूम जाने पर साफ तौर पर उसे देने पड़े। हालांकि ऐसा क्यों, आपको बता दी कि जैसे ही अब्दुल कादिर वंदे भारत में चढ़ता है वॉशरूम करने के लिए जाता है और वंदे भारत ट्रेन उस वक्त चल पड़ती है, जिसकी वजह से सारे जो दरवाजे होते हैं वंदे भारत ट्रेन के वो बंद हो जाते हैं और अब्दुल कादिर नहीं निकल पाता। यहां तक कि उसने टीटी से भी बड़ी मन्नतें की और पुलिस कर्मियों से भी मदद मांगी, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के गेट नहीं खुल पाने के कारण वो उज्जैन जाकर रुकती है वंदे भारत, और उसके बाद वो शख्स यानी कि अब्दुल कादिर उतरता है उज्जैन में, जहां पर उसे जुर्माना देना पड़ता है। भाई, ट्रेन में बिना टिकट के सफर करना 1,020 रुपए का जुर्माना पड़ जाता है। उसके बाद वहां से वापस अपने बच्चे और बीवी के पास आना भोपाल रेलवे स्टेशन पर, जो उसका 8 साल का बच्चा और बीवी रह गए थे, जो चिंता में थे, उनके लिए वापस भोपाल आना 750 का टिकट वहां पड़ जाता है। लेकिन बीवी बच्चे जो भोपाल स्टेशन पे रह गए थे उन लोगों ने वो ट्रेन गवा दी, यानी कि सिंगरौली की ट्रेन गवा दी, जिसका 4,000 का टिकट था। कुल मिलाकर 6,000 रुपए का साफ तौर पर चूना लग गया अब्दुल कादिर को। ऐसे में अब्दुल कादिर ने वंदे भारत के लिए एक अलग ही मैसेज दे डाला, कहा कि वंदे भारत ने कोई भी पहले से अनाउंसमेंट नहीं करी कि ट्रेन चलने वाली है। एक बार आप अब्दुल कादिर को सुनिए किस तरीके से अब्दुल कादिर वंदे भारत के लिए तमाम तरीके की बातें बोल रहे हैं और कितनी परेशानी का सामना अब्दुल कादिर को करना पड़ा, पहला मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर दोनों तरीके से। एक नजर इस वीडियो पर। ट्रेन के इमरजेंसी सिस्टम के खामियों को उजागर नहीं करता है, निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचने से कोई मतलब नहीं निकलता है। वंदे भारत ट्रेन में इमरजेंसी सिस्टम ना होने की वजह से आर्थिक नुकसान और मानसिक प्रताड़ना पूरे परिवार को झेलना पड़ा है। देखा आपने, अब्दुल कादिर का दर्द और तकलीफ साफ तौर पर नजर आ रही है कि वंदे भारत में चढ़कर वॉशरूम करना अब्दुल कादिर को इतना भारी पड़ गया कि 6,000 का अब्दुल कादिर को चूना लग गया। जी हाँ, यहाँ तक कि वो तमाम वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो अब्दुल कादिर ने वंदे भारत के अंदर भी बनाए थे, वो तस्वीरें वो वीडियोस भी आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में अब्दुल कादिर जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पे खड़ी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, चाहे वॉशरूम के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पे तमाम टॉयलेट सुविधाएं मौजूद होती हैं, लोग इतनी दूर जाना जो है प्रिफर नहीं करते हैं, लेकिन सामने खड़ी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ऐसे में किस तरीके का चूना उन्हें भी लग सकता है, ये साफ तौर पर अब्दुल कादिर का उदाहरण आप देख सकते हैं। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।